नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम सर्वेश है। दोस्तों के साथ में तो एकदम फ्रैंक रहता हूँ, लेकिन जब कोई नए लोग आते हैं, नए लोगों को मैं फेस करता हूँ, कहीं नई जगह जाता हूँ, तो मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता, डर जाता हूँ। और ये भी सोचता हूँ कि क्या लोग अच्छे होंगे, कैसे होंगे, किस टाइप के लोग होंगे, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सर्वेश, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जो हमारा सर्कल है उसमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन दूसरों के सामने जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। डर लगने लगता है, मैं बोलूँ तो वो कैसे समझेंगे, नहीं समझेंगे, वो अच्छे होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो इसको कैसे टैकल किया जाए। देखो सर्वेश, अगर किसी भी फियर को, किसी भी डर को, किसी भी फोबिया को अगर फेस करना है ना, उसको अगर डील करना है ना, तो उसको फेस करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। जब तक उसका सामना नहीं करोगे, जब तक उसको फेस नहीं करोगे, तब तक आप उससे कभी डील नहीं कर पाओगे। और कई बार जो फियर होता है वो बस मन में होता है, अ लॉट ऑफ टाइम द फियर इज सिंपली इन द माइंड। जब आप उसको प्रैक्टिकली करने जाओ तो पता लगता है कि जो फियर था, एक्चुअल फियर है, वो है 5% का, और माइंड ने उसको 95% बना दिया था। 95% मेंटल था, 5% रियल था। ये नहीं कह रहा कि रियल नहीं है, लेकिन रियल फियर बहुत कम होता है, मेंटल फियर बहुत ज्यादा होता है। और इसीलिए जब हम उसको फेस करें तभी तो पता लगेगा कि 95% मेंटल है या 5% रियल है, या 90% मेंटल है या 10% रियल है। कम से कम वो मेंटल पार्ट जो है ना फियर का, वो अगर निकाल देंगे तो बस 10% से हैंडल करना पड़ेगा फियर। जैसे हम कई बार कहते हैं, अगर कोई पैराडाइविंग करने जाए, स्काई डाइविंग करने जाए, एयरप्लेन से उतर नीचे कूदना है भैया, आसान नहीं होता। अगर किसी ने किया है तो आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे हमसे, कि अगर एयरप्लेन से सीधा आप, आई मीन सोचिए, फ्री फॉल है वो, जब तक पैराशूट खुले नहीं, और नहीं खुला तो तो जैसे ही आप वो बुक कर लेते हैं, आप स्काई डाइविंग के लिए बुकिंग कर लेते हैं, और जब बुक करते हैं तो एक दिन आ जाएगा, अभी अगले दिन करना है स्काई डाइविंग, रात भर बस यही चलता है, नहीं खुला तो, मैं नहीं गया तो, ये तो, इफ दैट, इफ दिस, इफ दैट। सर्वेश, इफ की दुनिया में रहते रहते ना हम जीना भूल जाते हैं, रियलिटी का जीना भूल जाते हैं। वो इफ कितना परसेंटेज है कि हुआ होगा वो। अच्छा देखिए क्या होता है, अगले दिन आप कार में बैठ जाते हैं स्काई डाइविंग करने के लिए, आप जा रहे हैं वहां पे एयर स्ट्रिप के यहाँ पर, और जैसे जा रहे हैं मन में बस यही चल रहा है, यार मैं कभी ऊपर नहीं गया, क्या होगा मेरा पता नहीं, यू नो अंग्रेजी में कहते हैं ना, सीइंग बटरफ्लाइज, फीलिंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, वो एक ऐसी एक एक्सपीरियंस और एक मेंटल स्टेट हो जाती है। आप वहां जाते हैं, आप प्लेन पर बैठ जाते हैं, यू मिस अ हार्ट बीट, और जब प्लेन टेक ऑफ होता है और एयरबोर्न हो जाता है तो दरवाजा खुलता है, तो नानी याद आ जाती है सर्वेश। वो दरवाजे में खड़े हैं और हाथ पकड़ के दोनों, और वो जो पीछे खड़ा है, जो आपके साथ रहेगा नीचे कूदने में, वो कहता है, एट द काउंट ऑफ 3, 2, 1, लेकिन वो 2 पे ही आपको धक्का दे देता है। काउंट ऑफ 3, 2, 1 में वो 2 पे ही धक्का दे देता है, क्योंकि उसको मालूम है 1 पे बोलेगा तो आप पकड़ लो। और जैसे ही सर्वेश आप कूद जाते हैं ना, और जब पैराशूट खुल जाता, पहले तो फ्री फॉल चिल्लाते हैं लोग, उस फ्री फॉल में जब चिल्लाते हैं और जब वो पैराशूट खुल जाता है ना, तब का जो एक फ्रीडम एक्सपीरियंस करता है ना आदमी सर्वेश, देयर इज नो कंपैरिजन टू दैट। लेकिन उस फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने के लिए कूदना पड़ता है, फेस करना पड़ता है उसको। सो डर लग रहा है ना कि मैं सबके सामने जाऊंगा, कैसे होगा, क्या होगा, जाओ कूदो उसमें, क्या होगा, वर्स्ट कम वर्स्ट आउटकम क्या होगा, ठीक नहीं होगा एक बार, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, अगली बार नहीं हुआ क्या होगा, 10 बार 25 बार 100 बार 1000 बार भी नहीं हुआ तभी 1001वीं बार तो होगा ना सर्वेश। सो फेस इट, ट्राई इट। अगर आप केवल इस मेंटल सेट में रहेंगे कि नहीं होगा नहीं होगा, तो कभी नहीं होने वाला वो। सो व्हेन इज द बेस्ट डे टू डू इट सर्वेश, टुडे। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू इट सर्वेश, नाउ, अभी जाओ। जैसे ही सवाल का जवाब मिलेगा ना, अभी जाओ और किसी अनजाने के साथ जाकर बात करो, शेक हिज और हर हैंड एंड सेड, सर हाउ आर यू टुडे, बस थोड़ी हिम्मत करनी है, बस फेस इट, उतना मत जज करो जितना दुनिया भी नहीं करने वाली है।
बजाते रहो।